सुशांत सिंह का मामला दिन पे दिन तुल पकड़ते चला जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर सड़क तक अब आवाज़ उठने लगे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत के नारे अब सभी जगह बुलंद हो रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बोरिंग रोड चौराहे के है, और यहाँ पे जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा है। फिलहाल कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे। ये बताइए, सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, आपको क्या लग रहा है? इसमें रिया चक्रवर्ती का पूरा के पूरा हाथ है, वो सीबीआई जांच करवाना नहीं चाहती है। और मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है, बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि बिहार पुलिस को सपोर्ट मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। और इसमें बहुत ही नामी ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं इससे, जिनका नाम सामने आने का डर है, इसके कारण वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, इसके कारण सीबीआई जांच नहीं हो रही है। बट हम लोग प्रदर्शन हमेशा करते रहेंगे, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, जब तक सुशांत सिंह का हथियारों नहीं पकड़ा जाते, तब तक हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, प्रदर्शन करते रहेंगे। ये बताइए, हमेशा से महाराष्ट्र पुलिस का नाम आता है किसी भी केस को सॉल्व करने में, लेकिन इस केस में वो पीछे क्यों है, क्या लगता है आपको? हमें नहीं पता, पर हमें वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के लिए चाहिए हमें। और क्या लगता है, इस मामले को दबाया जा रहा है क्या? हाँ, हमें लग रहा है इस मामले को दबाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग रोड, क्या हो जाए? जब तक हमें सीबीआई जांच नहीं मिलेगा, जब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, फिलहाल काफ़ी आक्रोश है युवा में, यहाँ पे जितने भी सुशांत सिंह के फैंस हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इनका कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार है कहीं ना कहीं इस केस को दबाने की कोशिश कर रही, और जिस तरह से पटना पुलिस के साथ बर्ताव हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय बन रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, ये बताइए, जिस तरह पटना पुलिस के साथ बर्ताव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जो यहाँ के डुमरी चौकी के सर्किल इंस्पेक्टर जो हैं, भारती सर जो हैं, उनके साथ वहाँ के जो महाराष्ट्र पुलिस के जो सिपाही हैं, वो उनके कमर में हाथ डाल के उनको पुलिस वैन में ले जाके बैठा रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस बिकी हुई है, और वो जो मतलब गलत है उसको बचाने में, उसको दबाने में वो लगे हुए हैं। इसलिए ये लोग मतलब पूरी सरकार, पूरी पुलिस वहाँ की बौखलाई हुई है। ये बताइए, महाराष्ट्र पुलिस का नाम हमेशा से आता है मुंबई पुलिस का, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं किसी दबाव के कारण ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, महाराष्ट्र का जो बात है, पूरा बॉलीवुड का जो बात है, वो कहीं ना कहीं आपको डी कंपनी से, अंडरवर्ल्ड से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा ये कांड है। और ये जो 8 तारीख को जो दिशा की भी जो आत्महत्या उन्होंने घोषित किया है, दिशा की भी हत्या हुई है, और ये सारा कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए, और उसमें बहुत बड़े नेता हैं, उनका बेटा का इसमें नाम आ रहा है, इसलिए जो वहाँ के जो गृह मंत्री हैं इस बात को छुपा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे बिहार प्रशासन पर वहाँ पर दबाव बना रहे हैं, उनको अच्छे से जाँच नहीं करने दिया जा रहा। आपकी मांगे क्या है? हमारी ये मांग है कि जो हमारी SIT की टीम गई है, पटना की जो पुलिस गई है, उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको वहाँ पर साथ दिया जाए, और उसके बाद अगर SIT इसकी अच्छी तरह से जांच नहीं कर पाती है, तो इसमें CBI की जांच होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि इसमें CBI की जांच हो। CBI जांच क्यों नहीं करवा रही है, बड़ा प्रश्न ये भी है। देखिए, इसमें जो है बहुत बड़े शिवसेना के बेटा का नाम आ रहा है इसके पीछे, इसलिए जो वहाँ की सरकार है ये मतलब CBI जांच से कतरा रही है। और जो पटना पुलिस वहाँ पहुँची है, तो वहाँ पूरा हलचल मचा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो लोग दोषी हैं, वो लोग चोर हैं, इसलिए वो लोग डर रहे हैं, और CBI जांच से वो लोग भाग रहे हैं। देखिए, CBI जांच से वो लोग डर के भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और बॉलीवुड में इनका साफ कहना है कि काफ़ी ऐसे माफिया हैं जो चाहते हैं कि सुशांत सिंह के केस में किसी भी तरह का कोई भी अपडेट्स नहीं हो, और इसी को लेकर जो वहाँ की प्रशासन है, जो पुलिस है, वो अपनी नाकामी साबित कर रही है। देखिए, इन सभी युवाओं का कहना है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत उनका मर्डर किया गया, और इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और बड़े बड़े ऐसे नामचिन लोग हैं वो भी संलिप्त है। इसलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस जो है, या महाराष्ट्र सरकार जो है, वो उसे बचाना चाहती है, इसलिए वो CBI की जांच नहीं करवा रही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।